नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, INT टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मैं 8 साल पहले हाईटेक सिटी में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती थी। वहाँ पे एक मानस कुमार बोस बोल के आदमी मेरे को मिला था। वहाँ से मेरे फैमिली का ब्रेन वॉश करके उन्होंने मेरे को, मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, मैं बदल जाता हूँ, मैं अच्छा देख लेता हूँ, मेरा कोई नहीं है, ऐसा ऐसा बोल के मेरे को भटका के शादी कर लिए। मेरे फैमिली के ज़रिए मेरी शादी कर दिए। 1 साल उन्होंने अच्छे रहे। 1 साल के अंदर मेरे को मालूम हुआ था कि उनकी पहले की बीवी भी है, उनसे एक बेटी भी है बोल के। फिर हम लोग इंक्वायरी करे तो वो बात सच निकली, एक बेटी है उनकी। जब मेरे से शादी हुई उन्होंने 1.5 साल के थे, मैं एक माँ बोल के मानती हूँ बच्ची। मेरे को इतना फ्रॉड करे, फिर हकाल दिए घर से। ऐसे ही बच्चियों से केसा करना, बच्चियों से बात करना, चैटिंगा करना, मिलना, घर को किसी को लाना, दोस्तों को बुला के मेरे को ऐसा बोलना वैसा बोलना। मैं ऑलरेडी उनका चक्रवर्ती बोस और सुरजीत बोल के एक लड़का है बिहारी, और चक्रवर्ती बोस जो है उन्हें भी कलकत्ता का रहने वाला है, उन लोग मेरे ऊपर ज़बरदस्ती करे। तो मैं ऑलरेडी PS में कंप्लेंट दे चुकी हूँ मेहंदीपट्टनम के। उन लोग मेरे को बहुत हरासमेंट करे थे, इस वजह से मैं घर से आ गई। मेरा बड़ा बच्चा जब पेट में था, फिर वापस आके डिलीवरी के बाद उन्होंने मेरे को घर लेके गए। बच्चा 4 महीने का हुआ, 9 महीने का हुआ, फिर मैं फिर प्रेग्नेंट हुई। घर को लेके गए थे उन्हें ओडिशा को 10 दिन के लिए बोल के। 3 महीने में रख के मेरे को इतना हरासमेंट करे, पूजा करो, बट्टू लगाओ, सिंदूर लगाओ बोल के। मैं बोल नहीं सकती, मेरे पास लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। बहुत तकलीफ दी है मेरे को उन्होंने। मेरे को बड़ा, मेरा लड़का है 2 साल का, छोटी लड़की है अभी 3 महीने की घर में। इस्लाम कबूल करके क्या नाम रखे? इस्लाम कबूल करके मोहम्मद अरमान नाम रख लिए उन्होंने। ओडिशा को लाके यहाँ पे बोले कि इस्लाम कबूल मैं नहीं कर सकता हूँ, आप जा सकते हैं, मैं नहीं रख लो तुम्हारा, तुम मेरे को पसंद नहीं है, मैं तुम्हारा कभी था ही, मैं बनाई नहीं तुम्हारा मुसलमान, खाली मुसलमानों को नफरत है मेरे को, मैं मुसलमानों को बर्बाद करके जाता हूँ, ये करता हूँ, मुसलमानों से चिढ़ है मेरे को बोल के हकाल दिए मेरे को घर से। मेरी बच्ची 3 महीने पेट में थी, तो जब से लेके आज तक बोल रहे मेरे को छोड़ने आओ बोले तो। मैं मुंबई में हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ, मैं नहीं आता हूँ छोड़ने को, तेरे को जिल्लत की ज़िंदगी देता हूँ, ना तू छोड़ता हूँ देखो, ना मैं तेरे साथ रहता हूँ, तू ज़िंदगी में कभी दूसरे से शादी नहीं करना बोल के मेरे को अटका के रखे हुए। अब मेरे को इनका सडन फ़ोन आया फजर में, तो मैं आई। ये नाजिया बोल के इनू, ये लड़की के साथ उन्होंने मेरे को मालूम हुआ अभी रिसेंटली कि इनके संगत भी उन्होंने गलत व्यवहार करे, उनके संगत किडनैपिंग करे, ऐसा ऐसा बोल के। मेरे को कुछ मालूम नहीं था, उन्होंने तो बोल रहे थे मैं हैदराबाद में हूँ ही नहीं, मुंबई में हूँ बोल के बोल रहे थे। और ये बात सच है कि उन्होंने लड़कियों के संगत ऐसा हरेसमेंट करते, ज़ोर ज़बरदस्ती करते, मैं ऐसी चश्मदीद गवाह हूँ। घर में भी घर लड़कियों को लाके, कभी क्रिश्चियन, कभी मारवाड़ी लड़कियों को लाके, मेरे को रात रात भर प्रेग्नेंट थी तो मैं बड़े बच्चे के टाइम पे सीढ़ियों पे बिठाते थे मेरे को, बच्चों को, औरतों को घर में बुला के लंगर हाउस में रहते थे। आप कहाँ रहे? पहले क्या काम करते थे? सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन्होंने, मैं रिसेप्शनिस्ट थी। कहाँ पर? हाईटेक सिटी साइटल में। कहाँ पर? हाईटेक सिटी साइबर गेटवे है ना जी, वहाँ पे। पहले क्या काम करते थे? सिक्योरिटी इंचार्ज थे। पहले आर्मी में उन्होंने ऐसे करने से किसी के संगत उन्होंने गलत करने से उनको वहाँ से निकाल दिया गया आर्मी जी। हाँ, ना उनको पेंशन है, ना उनको रिटायरमेंट हुई, ना कुछ नहीं हुई, बस उनको सब छीन ले के उनसे उनको वहाँ से हटा दिया गया आर्मी में जी। हाँ, मैं सुल्ताना है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मैं नीरूस में ड्यूटी पूछने के जॉब के लिए इंटरव्यू को गई थी, रजिस्टर में नाम इंट्री करके गई, तो वहाँ से मानस बोस एडमिन मैनेजर है उनका नाम, उन्होंने वहाँ से मेरा नंबर लेके मेरे को फ़ोन करके तुम्हारा को ड्यूटी दिलाता हूँ वो दिलाता हूँ बोल के मेरे को ऐसा एक दिन लेके जाके मेरा गलत फ़ोटो उतार लेके मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए, और मेरे को ज़बरदस्ती गलत काम करने के पर ये करे। मैं मेरे को 6 दिन बंद करके रखे, मैं वहाँ से भाग के आई, भाग के आके वैष्णो रेस्टोरेंट से फिर मेरे को लेके गए ऑटो में, लेके जाके किडनैप करे, किडनैप करके लेके गए। फिर वहाँ से मैं एक आंटी से फ़ोन लेके मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके इधर का एड्रेस बोली, तो मेरे हस्बैंड और मेरे घर वाले या मेरे को हलवाल में लेके गए, हलवाल में रखे, हलवाल में एक घर में रखे, हाँ एक घर में रखे। वहाँ पे एक दूसरे आंटी का एक नंबर फ़ोन लेके मैं मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके मैं यहाँ का एड्रेस बोली, उनसे पूछी ये क्या है वो, तो उन्होंने ये हलवाल बोलते वो तो उधर का एड्रेस मेरे हस्बैंड को बोले, तो मेरा हस्बैंड पता लगा के नाइट में मेरे को पुलिस लेके आके उनको कितना अरेस्ट करके लेके आए इधर, हाँ हलवाल से रात में 2 बजे पुलिस आई, उनको पकड़ लिए। उन्होंने अभी फिलहाल GVK में काम कर रहे हैं, नीरूस में से उनको निकाल दिए, अभी GVK में उन्होंने ऑपरेशन मैनेजर है GVK बंजारा और
इसका जीवीके का और बंजारा का, ताज कृष्णा का और बेगमपेट में कुछ की और एक ताज ताज भी बांधता है उसका मैं देखता हूँ बोल के ऐसा बोले। उन्हों कैरोस कैरोस कंपनी है, वो कैरोस कंपनी उसका ऑपरेशन मैनेजर है अभी। उन्हों कैरोस कंपनी का उनका आईडी कार्ड भी अभी भी घर में ही है, अभी जो घर में मेरे को बांध के रखे ना वो घर में आईडी कार्ड भी है उनका। तो आपको वहाँ ले जाके रखे 6 दिन तक रखे जी, कुछ आपको टॉर्चर करें? नहीं, मेरे संगत बहुत जोर जबरदस्ती करना, मेरे संगत रात रात भर गलत काम करते रहना ऐसा ऐसा, और दूसरों से भी करो बोल के मजबूर कर रहे थे मेरे को कुछ नशे की दवा खिला देते थे, मैं सो जाती थी, मेरे संगत क्या होता था मेरे को मालूम नहीं था। आप कंप्लेंट लिखा है? जी हाँ, मैं यहाँ पे कंप्लेंट पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लेंट लिखा दी ऑलरेडी। और कुछ लोगों के साथ है? हाँ, इनका तो बहुत ही, मैं इनका फ़ोन एक बार देखी, इनके फ़ोन में फेसबुक में बहुत लेडीज़ के संगत चैटिंग करते रहते। कौन है बोले तो मेरे कोलिक है, मेरे पहचान के हैं, वहाँ के लेडी गार्ड है, वो है ये है बोल के मेरे को ऐसा बोलते थे, मेरे को गैर गलत काम करने पर मजबूर करे। मैं इसके लिए उधर से भाग के आ गई, फिर पकड़ के लेके गए थे मेरे को रात में, मेरे हस्बैंड आके मेरे को छुड़ा के लेके गए पंजागुट्टा पीएस से, लोग आके लेके गए। जी हाँ, नहीं पुलिस भी आए थे, जी हाँ पुलिस वाले भी आए थे, लेडीज पुलिस भी आए और मेरे भाई लोग भी आए, मेरे हस्बैंड भी आए। हलवाल से यहाँ लेके? जी हाँ, हलवाल से रात में 3 बजे यहाँ लेके आए मेरे को। जी हाँ, रात में आने से उन्होंने पकड़े गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।